हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारे व्यू डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू करने वाले। इसमें हम लोग एक प्ले पॉज बटन ऐड करेंगे एंड ये जो नीचे के आपको चार बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इसे भी हम लोग इस वीडियो में ऐड करने वाले हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले उन बटन्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं या उनके आइकन्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो न्यू वैक्टर असेट एंड क्लिप आर्ट्स, एंड यहाँ पे सिंस हमने प्ले पॉज लास्ट वीडियो में इम्पोर्ट कर लिए थे, अब नाउ नेक्स्ट एंड दिस स्किप टू नेक्स्ट एंड सिंपली नेक्स्ट अंडरस्कोर आइकन, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड अगेन राइट क्लिक न्यू वेक्टर असेट एंड हियर प्रीवियस, सो दिस वन ओके एंड प्रीवियस अंडरस्कोर आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड दैट्स इट। जो नेक्स्ट आइकन है रिपीट की, वो हम लोग हमारे एक्सो प्लेयर से ही ले लेंगे। एंड यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मैं हमारे टॉप कंट्रोलर को कॉपी करना चाहता हूँ। सो सिंपली कॉपी दिस एंड मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ उसके बाद। सो ये आइकन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिख रही थी लास्ट टाइम, सो मैं यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करूँगा, पैडिंग एंड विच इज़ 10 dp, एंड इससे हमारे आइकन थोड़ी सी कंप्रेस होकर छोटी दिखेगी। एंड आफ्टर दैट ये टेक्स्ट भी थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। सो स्टाइल सेट करता हूँ मैं इसकी, टेक्सटाइल टेक्सटाइल एंड विच इज़ बोल्ड। ऑल राइट, अब वो हमारे टॉप कंट्रोलर को नीचे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, एंड मैं इसका नेम चेंज करूँगा सबसे पहले, टॉप कंट्रोलर टू बॉटम कंट्रोलर। एंड यहाँ पे मैं जो टॉप वाला इसे हटाने वाला हूँ, यहाँ पे बॉटम का यूज़ करूँगा, कंस्ट्रेंट बॉटम। सो बॉटम टू बॉटम ऑफ पैरेंट एंड ये एकदम नीचे मूव कर जाएगा, हमें यही चाहिए एक्चुअल में। एंड नाउ ये आईडी यहाँ से हटा देते ओके एंड हमें एक्चुअली इस टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं, सो इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देते हैं। एंड इसे मैं कॉपी करने वाला हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड पेस्ट इट वन मोर टाइम। एंड आफ्टर दैट अब हमें इनके साथ वर्क करना है, एंड उसके बाद मैं इसकी ग्रेविटी चेंज करने वाला हूँ। सो ग्रेविटी, एंड मैं चाहता हूँ ये एंड में हो एंड उसके बाद ये बॉटम में भी होने चाहिए। सो लाइक दिस एंड एंड बॉटम ग्रेविटी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। सो सबसे पहले आइकन मेरी ये वाली है, सो मैं इसे चेंज करता हूँ एंड इसे मैं रिपीट आइकन यूज़ करना चाहता हूँ। सो रिपीट ऑफ आइकन जो एक्सो प्लेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट है, मैं उसका ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मैं इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर रहा हूँ, सो रिपीट बटन। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में आप देखोगे तो मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके रखे हैं ओके, सो आप भी इन्हें क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑल राइट, रिपीट का वर्क हो चुका है। नाउ दिस वन, रिमूव दिस मार्जिन एंड एंड SRC एंड दिस वन इज प्रीवियस, सो प्रीवियस आइकन एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन टू प्रीवियस बटन ओके। एंड यहाँ पे प्रीवियस आइकन दिखाई दे रही है एंड दिस वन इज नेक्स्ट आइकन एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन टू नेक्स्ट बटन एंड नेक्स्ट आइकन भी दिख रही है। एंड आफ्टर दैट रिमूव दिस टू एंड उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाली, यहाँ पे एक्चुअली मुझे फुल स्क्रीन चाहिए। सो एक्सो प्लेयर में ऑलरेडी ये आइकन भी है, सो फुल स्क्रीन मैं वो यूज़ कर लेता, फुल स्क्रीन एंटर एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन टू फुल स्क्रीन बटन। एंड ऑल राइट, ये फुल स्क्रीन आइकन भी दिखाई दे रही है एंड दैट्स इट, हमारा बॉटम व्यू तैयार हो चुका है। फ्यूचर में हम इसे थोड़ा और मॉडिफाई भी करने वाले हैं। एंड नाउ यहाँ पे मुझे प्ले पॉज का बटन चाहिए, सो उसके लिए मैं एक सिंपल सा इमेज बटन यूज़ करने वाला हूँ। सो जस्ट कॉपी दिस इमेज बटन एंड जस्ट पेस्ट इट हियर एंड मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले दिस एंड टू एंड ऑफ पैरेंट एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पैरेंट एंड आफ्टर दैट बॉटम टू बॉटम ऑफ पैरेंट, विच मीन्स वो सेंटर में होना चाहिए, सिंपल सा मीनिंग। एंड इसे मैं 100 dp कर रहा हूँ एंड दिस टू 100 dp
ओके, जिससे वो आइकन थोड़ी सी बड़ी दिखनी चाहिए। एंड यहाँ पे मैं प्ले की आइकन चाहता हूँ, सो सिंपली इसे रिमूव करता हूँ एंड प्ले आइकन, एंड यहाँ प्ले की आइकन दिखने वाली है, एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन टू प्ले बटन, एंड मैं इसका बैकग्राउंड टिंट रिमूव करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये बटन क्लिक हो तो कुछ इफेक्ट शो होना चाहिए, सो यहाँ पे क्लिकेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, क्लिकेबल टू ट्रू, फोकसेबल टू ट्रू, एंड आफ्टर दैट बैकग्राउंड यहाँ पे ATTR सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड, एंड वो जब क्लिक होगा तो हमें एक इफेक्ट दिखाई देगा जिसे पता चलेगा वो बटन क्लिक हुआ है। एंड आफ्टर दैट सिंस ये आइकन बहुत छोटी दिख रही है, ये वाली एंड दिस वन, सो मैं इन्हें थोड़ी सी बड़ी करने वाला हूँ। सो पॉज आइकन, प्ले आइकन, प्रीवियस आइकन एंड नेक्स्ट आइकन। सो नेक्स्ट आइकन को ये जो विड्थ है मैं इसे 35 करने वाला हूँ, एंड हाइट अगेन 35, एंड दैट्स इट फॉर नेक्स्ट आइकन। नाउ दिस पॉज आइकन या प्रीवियस आइकन, सो 35 एंड 35, ऑल राइट, जस्ट क्लोज दिस। एंड प्ले आइकन मैं इसे 50 करने वाला हूँ क्योंकि मुझे प्ले आइकन थोड़ी बड़ी चाहिए, एंड दिस टू 50, एंड जस्ट क्लोज दिस टू, एंड इसे भी 50, एंड आफ्टर दिस दिस वन, ओके, एंड इसे भी क्लोज कर लो। नाउ ये आइकन्स थोड़ी बड़ी दिख रही है जैसे कि मैं चाहता हूँ। सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक आर व्यू। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं। लेट्स से मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि वो प्ले हो रहा है, हमारा व्यू भी अच्छा दिख रहा है, बट ये फुल स्क्रीन बटन थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ओके, एंड अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँ तो भी ठीक दिख रहा है, बट ये फुल स्क्रीन बटन अगेन। एंड अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूँ या इस प्ले पे क्लिक करूँगा तो क्लिक होता है, एंड अगर ड्यूरेशन आगे करता हूँ तो आगे हो रही है एंड अगेन। सो हमारा व्यू अच्छा दिख रहा है, एंड इस फुल स्क्रीन बटन को हम लोग चेंज करेंगे इन फ्यूचर वीडियो जब हम कस्टम फुल स्क्रीन बटन मीन्स खुद का फुल स्क्रीन बटन ऐड कर देंगे। So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.